कांग्रेस पार्टी वालों पूरे पंजाब भर विच LIC दफ्तरां दे बाहर केंद्र सरकार दे खिलाफ रोस प्रदर्शन किया जा रहा है। दस दईए यह धरना LIC अते SBI ने जो अडानी ग्रुप दे शेयर खरीदे हुए हैं वह हुण डुबदे नज़र आ रहे हैं, जिस दे नाल देश दे लोकां नूं वड्डा नुकसान हुंदा होया नज़र आ रहा है। इस दे नाल ही गुरदासपुर विच साबका कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी, साबका कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर बाजवा अते हलका विधायक बरिंदर मीत सिंह पहाड़ा ने LIC दफ्तर गुरदासपुर सामने धरना लगा के केंद्र सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन करदिया कहा कि भाजपा सरकार देश नू डोब रही है अते देश नू अंबानी अते अडानी दे अगे गिरवी रख रही है। गुरदासपुर तो अज दी आवाज लई प्रेम सिंह रणजीत सिंह धारीवाल दी रिपोर्ट। देखो अज धरना सेंटर सरकार के खिलाफ है, बेसिकली जेड़े अडानी ते अंबानी अर्गे जेड़े एक दो घराने ने जिन्हां दे हाथ साढ़े मुल्क की कमांड दिती हुई है, क्योंकि जदों एक मोहतवार नूं सारा देता होवे ते जो डुबदा तो सारा घर ही नाल डुबदा, तो जो सरकार सेंटर सरकार इस वक्त कर रही है जो उन्हां दीआं पॉलिसीज़ ने यह पहलां भी इस अलार्मिंग सिचुएशन आउंदी रही आ, लोकां नूं अवेयर भी करते रहे हैं कि किसी वेले भी जिहड़ा मुल्क नूं कुछ भी हो सकता है। तो अज अडानी ग्रुप जो डुबदा अडानी डुबदा तो उहदे नाल हिंदुस्तान डुबदा, क्योंकि LIC दे बहुत शेयर जिहड़े अडानी ग्रुप के खरीदे हुए आ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया RBI ने, मतलब कहण दा भाव कि अज सारा मुल्क जिहड़ा अडानी दे कब्जे च कीता होया। तुसीं देखिया ट्रेनों पर भी अडानी, एयरपोर्ट्स के बाहर भी अडानी, कोले दीआं खानां ते भी अडानी, मेरे ख्याल जिहड़ी रोटी मोदी साहब खांदे होणे आ वह भी भांडे अडानी के घरों आउंदे होणे आ, जो हालात साढ़े मुल्क दे हो गए आ। जे सरकार हर चीज़ प्राइवेट बंदे दे हाथ च दिंदी आ ते फिर मैनू नहीं समझ लगती पर सरकार बनाउण दी की लोड़ आ, प्राइम मिनिस्टर बनाउण दी की लोड़ आ। फिर तुसीं मता पा दिओ कि अडानी जिहड़ा उह साढ़े देश दा प्रधानमंत्री, क्योंकि सारा कुछ तो उह चला रहा, असीं ठेके ते दित्ता होया अपना मुल्क इहनां लोकां नूं, जे उह डुबदा ते असीं भी डुबदे आ। जिहड़े लोकां ने अपनी मेहनत की कमाई जिहड़ी आ उह LIC दे विच किते लाउंदे आ कि साढ़े मरण तो बाद साढ़े परिवार नूं कोई बीमा पॉलिसी या असी जींदे वक्त कोई रब ना करे मिसहैपनिंग हो जाए, सानू उहदे इवज दे विच साडी पॉलिसी होई हो सानू खतरा नहीं रहिंदा। ते अज खतरा यह हो गया कि जिहड़ियां इह पॉलिसीज़ कराईआं उहो ही डुब चलिया सारा कुछ, जिहड़ी बेड़ी च सवार होए उह बेड़ी डुब चली आ, ते फिर कादे इह मतलब सरकारां कादे जोगियां रहि गईआं। सो अज बेसिकली इह पूरे हिंदुस्तान दे विच कांग्रेस पार्टी वल्लों धरने दित्ते गए आ कि जिहड़ा अडानी ते अंबानी वर्गे बंदे जिहड़ा देश नूं लुट रहे आ, सरकार लुटा रही आ, वो हिंडसबर्ग ने जो लोगों के सामने सच्चाई लियांदी आ, जिस कंपनी ने वो उन्होंने और इन्हां नूं चैलेंज किया, सब तो वड्डी गल है। मैं अज इंटरव्यू किसी चैनल नैशनल चैनल पर देख रहा, क्योंकि तो गोदी मीडिया उन्होंने इस चीज़ में किसी ना किसी ढंग से सपोर्ट करनी है, तो उत्थे एक मुंडा कह रहा सी कहिंदे जी इह ते बाहर दी एजेंसी आ ते इहदा की आ। तुसीं जिस तत्थां दे नाल इंडसबर्ग कंपनी ने यह तत्थ पेश किए आ, जिहड़े सवाल अडानी वास्ते छड़े आ, फिर उन्हें चैलेंज किया कि कोर्ट च केस कर दो मेरे ते, ते जे अजे भी किसी मैं कहूँगा उस भगत नूं अजे भी यह नहीं पता लग रहा कि जिहड़ा साडा मुल्क आ वह डुबदा जा रहा, सो इस करके मैं समझदा कि अलार्मिंग साडे वास्ते सिचुएशन है और जल्द हिंदुस्तान के लोग जाग जाणगे। अजे भी डुल्ले बेरां का कुछ नहीं बिगड़िया जे, क्योंकि हिंदुस्तान जिहड़ा है ये बड़ा स्ट्रोंग मुल्क है साडा, सो इस करके जागण की लोड़ आ, तो ये लामबंद लोगों इस करके कर रहे हैं कि जे जो साडे मुल्क नाल हो रहा सरकार सेंटर कर रही है उन्हूं रोकण की बहुत लोड़ आ, उहदे इवज दे विच अज जिहड़े आ सारे ही जिला हैडक्वार्टर ते धरने दिते गए। मैं कुंवर विजय प्रताप जी का इस गल का धन्यवाद करदा कि उन्होंने जिहड़ी होर दहां दिनां नूं कमेटियां भंग होणियां सी उहदा अस्तीफा देता, ना भी दिंदे वैसे भी भंग हो जाणियां सी होर दहां दिनां नूं। मैं भी कमेटी का मैंबर हाँ, पंचायत कमेटी तो एसटीमेट कमेटी का, चलो फिर भी उन्होंने उहदे तों अस्तीफा दिता और जाके इंसाफ मोर्चे च पहुँच, देखो इंसाफ मिलना चाहिए वा चाहे वह किसी धर्म की भी गल हो, पर चंगा हो कि जे हुण इंसाफ मोर्चे दे विच अपनी हाजरी जरूर लवाउण, पर चंगा होवे जे भगवंत मान दे घर दे बाहर बैण, ते उह उहनां दी आप दी सरकार आ, हुण इह किसे होर दी सरकार नहीं, और जिहदे विच इह MLA ने, और MLA हुंदिआं होइआं जे फिर जाके आपां बरगाड़ी जाके कहीए कि इंसाफ नहीं मिल रहा, तो मैनूं फिर लगता हुण मैं किस सरकार चों मैं अपने कहां जी इंसाफ नहीं मिल रहा, जां फिर ठीक है MLA सिर्फ भी छड्ड दो जाके ठोक के फिर अपनी सरकार दे अगेंस्ट खड़े होवो। दो वार इन्हां ने उत्थे जरूर टाइम मंगिया सैशन दे विच उहदे ते बहस ली, उह भी उन्होंने टाइम नहीं दिता, फिर कितना कितने हुण इन्हां नूं फिर भगवंत मान दे बाहर घर दे स्टैंड लैना चाहिए। बरगाड़ी मोर्चे नूं कह के ये सत्ता विच आए सी कि बरगाड़ी मोर्चे साथ दित्ता जाएगा,
भजनी भजी है कि भजना की है। स्पीकर साहब ने मूँह करके उदन इधर कहा कि डेढ़ महीने के वे शुकराना समागम कहोंगे, मेरे ख्याल किन्ने चार के पाँच महीने वो चले आना तो बाद इन्होंने अपने की ना यो जे अमर कुमार विजय प्रताप इन्हें कहा कि सारा झूठ रहे कि हिसाब नहीं जो मिलना। सो विद इन पार्टी उन्होंने दो दो बयान एको मौके पर आते हैं तो तुम सोच सकते हो कि संजीदगी काम हो रहा और कि इंसाफ की आप गल करते हैं। इंसाफ इदा नहीं मिलना, मैं ना कांग्रेस वेले इंसाफ मिलया ना अकाली दल वेले मिलया तो ना इतने कोई आस आ। इंसाफ मिलना वा जदों एक तो लीडर आपका मन साफ कर, क्योंकि राजनीति इन्हां मुद्दों पर नहीं करनी चाहिए। मैं बड़ा क्लीयर कट बंदा, राजनीति अपने कामों के अपने किए हुए कर्म के आधार पर करनी चाहिए है। लोगों के असल च राजनीतिक बंदे का काम आ बेरोजगारी की गल करनी, महंगाई की गल करनी, लोगों की सुरक्षा की गल करनी। तो असी लीडर तो हुण पै गए हैं कि राजनीति रोटियां सेकण ते इन्हां धर्म के उत्ते राजनीति करन लग गए हैं। सो जिन्ना चिर साडे सारे पार्टियां दे लीडर इन्हां चीज़ां नूं पिछां सुट के अपना दिल साफ नहीं करते, लोगों का कोई भला नहीं होना। पता लगा भी ट्राली लै जाओ बंदे, ट्रैक्टर भी लै जाओ अपने, तो रेत सस्ती भर लिया जाके बाल्टियां दे नाल, ते चार बंदे ट्राली भरन वास्ते भी चाहिए। 500 रुपया दिहाड़ी है, 2000 वो भी बच्चे ऐड कर लियो तो फिर रेट मैनू दस दौ कि भाव पैंती है। गल्लां वेखो अथरू भुजाउण वालियां गल्लां, इहदे तुहानू ही पता लग जाना, तुसीं रेल लै आओ ट्राली भर के नाले मैनू दस दौ कि भाव नूं मिलती है। ये की गल्लां, कोई अजे तक मैनू पता दसो किहड़ा काम अजे तक जिहड़ा इहनां दा सिरे चढ़िया। कोई रजिस्ट्रियां बंद हुई पईआं, कोई इन्हां दी पॉलिसी ना माइनिंग पॉलिसी चज दी आउण डई आ, ना इन्हां दे प्लॉटिंग दी पॉलिसी आ रही। पंजाब ते सारा बैठा घर बेचारा मेरे रोटी खाण दो आतर होए पए आ लोक, और पहली बार होया कि मजदूर बेचारे जिहड़े दिहाड़ीदार आ वह भी धरना लाउंदे ने। ते किन्ना कि तुसीं आस रखदे रंगले पंजाब दी, रंगला पंजाब नहीं, इह ते हुण परमात्मा ही बणावे रंगला पंजाब। इन्हां ते कोई आस नहीं इस सरकार तों।